ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस। तो गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रेडिंग करने से जो ट्रेड रिसीवेबल अराइज होता है उनकी नॉन रिसीव्ड ही पॉलिसी होल्डर के लिए लॉस होता है ना। तो मतलब कि पॉलिसी होल्डर फिर क्या हुआ, तो पॉलिसी होल्डर गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लायर है जो कि फेयर मार्केट वैल्यू के एवज में गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करता है। फिर आगे कहता है कि जो पॉलिसी होल्डर के ट्रेड रिसीवेबल फैक्टरिंग, रिवर्स फैक्टरिंग या इनके जैसे किसी अन्य सिमिलर अरेंजमेंट से अराइज नहीं होना चाहिए। तो फिर ट्रेड रिसीवेबल अराइज कैसे होना चाहिए, इंश्योरर के पास फाइल किए हुए डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग पॉलिसी होल्डर के पास एक कस्टमर है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज में पॉलिसी होल्डर को ट्रेड रिसीवेबल की पेमेंट करने के लिए लायबल होता है और पॉलिसी होल्डर एंटायर पॉलिसी पीरियड के लिए प्रीमियम पे करने के लिए लायबल होता है। तो इसको हम एक बार अच्छे से डायग्राम के जरिए समझ लेते हैं। देखो ये है सप्लायर, ये है पॉलिसी होल्डर। कौन है ये सप्लायर? पॉलिसी होल्डर। तो पॉलिसी होल्डर है ना, उसके पास वो क्या करता है, पॉलिसी होल्डर एक सप्लायर होता है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट करता है, किसको? अपने कस्टमर को करता है और कस्टमर लायबल होता है इसको ट्रेड रिसीवेबल पे करने के लिए। ट्रेड रिसीवेबल दो तरीके से अराइज होता है, एक तो कस्टमर से अराइज होगा और एक फैक्टरिंग या फिर रिवर्स फैक्टरिंग या फिर इसके सिमिलर अरेंजमेंट्स से भी जो ट्रेड रिसीवेबल अराइज होता है। तो इस तरीके से अराइज नहीं होना चाहिए, इसी तरीके से अराइज होना चाहिए। और अगर कस्टमर अगर ट्रेड रिसीवेबल की पेमेंट नहीं करता है सप्लायर को, अगर नहीं करता है तो ये किसका लॉस है? पॉलिसी होल्डर का लॉस है। और अपने इस लॉस को कवर करने के लिए पॉलिसी होल्डर या फिर सप्लायर पॉलिसी लेता है और पूरे पॉलिसी पीरियड के दौरान ये प्रीमियम पे करता है। ठीक है, यही चीज़ है इस पूरे में बता रखी है।